नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे बायोमेट्रिक थर्मामीटर के बारे में। जो बायोमेट्रिक थर्मामीटर है वो लीनियर स्ट्रिप में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बायोमेट्रिक थर्मामीटर क्या होता है? बायोमेट्रिक यानी कि दो मेटल से बना होना। ये जो बायोमेट्रिक थर्मामीटर है ये दो मेटल का कम्बिनेशन होता है। यानी कि अगर हम स्ट्रिप की बात करें तो इसके अंदर दो मेटल की स्ट्रिप होती हैं, एक अलग मेटल की होती है और दूसरी अलग मेटल की होती है। अगर आप इसको M1 लिख दें और इसको M2 लिख दें तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो ऊपर वाली स्ट्रिप है वो M1 है और जो नीचे वाली स्ट्रिप है M2 है। इन दोनों स्ट्रिप को अच्छी तरह से ज्वाइन कर दिया जाता है ताकि इनके बीच में क्या हो, कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। तो इसके लिए आप सोल्डरिंग का यूज़ कर सकते हैं, ब्रेजिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इन दोनों जो स्ट्रिप्स हैं उनको जोड़ दिया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाई है। जो अपर प्लेट है वो अलग मटेरियल की है, अपर जो स्ट्रिप है और नीचे वाली स्ट्रिप है ये अलग मटेरियल की है। तो इन दोनों को अच्छी तरह से ज्वाइन कर दिया गया है ताकि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। तो बायोमेटलिक यानी कि दो मेटल से बना होना। अगर दो मेटल से हम इसको क्यों बनाते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न है कि देखिए, जब भी आप किसी मेटल को गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है यानी कि उसकी जो डायमेंशन है उसके अंदर चेंज आता है। तो उसके अंदर मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट होती है जैसे जैसे आप क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर को। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपने दूसरा मेटल इसके साथ जोड़ दिया है तो उसका जो इसका कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन होगा वो अलग होगा, इसका वो अलग होगा। यानी कि उसी टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे जो अपर स्ट्रिप है वो अलग तरह से डिस्प्लेस होगी, या कहें कि अलग तरह की उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगी, और नीचे वाली स्ट्रिप में अलग तरह की डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो इसलिए जो इसका जो एक्सपेंशन रेट है दोनों का, दोनों मेटल्स का अलग अलग होता है। तो इसलिए दो मेटल की जोड़ के ये थर्मामीटर बनाया जाता है। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, इसके अंदर अगर आप सेम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट चेंज होगा इनकी फिजिकल डायमेंशन में, जो दोनों स्ट्रिप हैं ऊपर और नीचे वाली। तो वो कैसे होगा, अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पे ये जो क्या है, ये फिक्स एंड है यहाँ पे, तो यहाँ से इसको फिक्स कर दिया जाता है। तो आप इसको बोल दीजिए फिक्स एंड है, अपर प्लेट है, अपर स्ट्रिप है ये लोअर स्ट्रिप है। तो दो स्ट्रिप आपने अच्छी तरह से जोड़ दी हैं ताकि इनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी ना हो। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे ही आपने इसको हीट दी, तो हीट देने से क्या होगा, हीट देने से क्या होगा, जिसका भी इन दोनों में से जो लो थर्मल कोफिशियंट होगा, तो उसके मान लीजिए इसका जो है लो टेम्परेचर कोफिशियंट है, इसका लो टेम्परेचर कोफिशियंट है मान लीजिए ऊपर वाली जो स्ट्रिप है, तो अगर आप इसको हीट देते हैं तो ये जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये उसी तरफ ये बेंड होगी, उसी तरफ ये बेंड हो जाएगी, ये वाली स्ट्रिप और ये वाली स्ट्रिप क्या होगी, उसी तरफ बेंड हो जाएगी जिसका लो टेम्परेचर कोफिशियंट होगा। जैसे ही टेम्परेचर को आप डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे तो ये किस तरफ बेंड हो जाएगी, जिसका जो हाई टेम्परेचर कोफिशियंट होगा, यानी कि इस तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बेस पर काम करता है, क्योंकि देखिए क्या होगा, जो एक्सपेंशन है और जो कॉन्ट्रैक्शन है दोनों का अलग अलग है, तो इस हिसाब से ये स्ट्रिप जो है बेंड होती है, तो उसी तरफ बेंड होती है जिसका लो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। तो इसी का यूज़ किया जाता है, आगे इससे क्या कर दिया जाता है, पॉइंटर अटैच कर दिया जाता है और सीधा हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को डायरेक्टली स्केल के ऊपर रीडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बायोमेट्रिक थर्मोमीटर है, लीनियर स्ट्रिप बायोमेट्रिक थर्मोमीटर है, यानी कि इस तरह की जो स्ट्रिप्स हैं वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस तरह से बेंड होती हैं और फिर आगे उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है जो स्केल के ऊपर हम डायरेक्टली रीडिंग ले लेते हैं। तो ये था बायोमेट्रिक थर्मोमीटर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।